हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे एक रिमोट रॉकेट लॉन्चर। ये कोई भी रिमोट से चल जाएगा, टीवी या सेटअप बॉक्स के कोई भी रिमोट से आसानी से चल जाएगा, और ये स्मार्टफोन से भी चलेगा। अगर स्मार्टफोन में रिमोट ऑप्शन है तो कोई भी स्मार्टफोन से ये आसानी से चलेगा। और इसका सर्किट बहुत ही सिंपल है, ये सर्किट बनाकर भी दिखाऊंगा, तो इसको बनाते हैं। इसके लिए चाहिए IR रिसीवर। ये दो टाइप का होता है, एक छोटा ये बड़ा, दोनों का कनेक्शन अलग अलग है, हम इसमें छोटा वाला यूज करेंगे। और ये रहा BD140 का ट्रांजिस्टर, और एक 470UF कैपेसिटर, और एक LED, और एक 5 वोल्ट का रिले, 6 या 5 वोल्ट का रिले इसमें यूज कर सकते हैं। और ये रहा 4007 का डायोड। तो पहले सर्किट बना लेते हैं। तो ये सर्किट हो गया है कंप्लीट। तो अब इसमें बैटरी के कनेक्शन देंगे। बैटरी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट का बैटरी, दो बैटरी चाहिए इसमें। सो बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक लोहे का पाइप लेंगे, ऐसे ये ऊपर दो होल करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एक होल करना पड़ेगा। और ये रहा नाइक्रोम वायर, ये हमको थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा रोल कर लेना है इसमें। इसे यही वायर हीट होगा, यही वायर हीट होने से रॉकेट जलेगा। और ऐसे दो मोटे वायर लेना पड़ेगा। और इसे नाइक्रोम वायर के दोनों साइड पे ऐसे लगा देंगे। और इसको ऐसे कवर कर लेंगे। और इसे एक टीन से कटिंग करके लगाना पड़ेगा।
इस पाइप को स्टैंड करने के लिए कुछ हैवी वेट के चाहिए। इसके लिए मैं एक ओल्ड स्पीकर यूज़ करूँगा। इसको ऐसे पकड़ के मारने से उसका टॉप है जो वो निकल जाएगा। और इसे ग्लू गन से हम इसको जाम कर देंगे। अब इसका पूरा कनेक्शन कर लेते तो ये रॉकेट लॉन्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको टेस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब इसको रॉकेट लगा कर टेस्ट करेंगे। कोई भी रिमोट से ये आसानी से चल जाएगा और ये स्मार्टफोन के रिमोट से भी चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।